हेलो माय डियर स्टूडेंट आई एम हर्ष बिहारी श्रीवास्तव लॉ एक्सपर्ट्स परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। डियर स्टूडेंट, जो PCSJ UP का एग्ज़ाम हुआ था उस पर हम आप लोग को शुरू के समय से जब से ये डिस्प्यूटेड हुआ है एक एक दिन का हम आप लोग को अपडेट देते जाते थे। आज तो लोक सेवा आयोग ने बहुत बड़ा एक परिवर्तन किया है। आज आप लोग वीडियो में देखते जाइएगा कि जो रिवाइज रिजल्ट निकाला है उसमें उन्होंने क्या किया है। तो डियर स्टूडेंट देखिए, इस चैनल से आपको जुड़ने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है जो परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब के नाम से बना हुआ है, क्योंकि ये एक ऐसा चैनल है जो फ्री आप कास्ट आप लोग को हर समय एक चीज़ों के बारे में जो भी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसके अपडेट देता रहता है, चाहे वो किसी भी टॉपिक से जुड़ा होता है। तो चलिए हम लोग आज सबसे पहले उस अपडेट पर चलते हैं जो पब्लिक सर्विस कमीशन लोक सेवा आयोग इलाहाबाद ने क्या किया है, स्टूडेंटों के लिए एक रिजल्ट घोषित किया। लेकिन ये जो रिजल्ट है ये कोई रिजल्ट है कि जिसको लगता है कि जैसे छोटे बच्चों को कोई खेलने का सामान दे दिया जाता है, उसको कोई झुंझुना दे दिया जाता है, उसको कोई चॉकलेट दे दिया जाता है, ये रिजल्ट क्या है इस पे हम आप लोग के साथ डिस्कस करते हैं। कितना स्टूडेंटों के साथ अन्याय हुआ और अभी भी होता जा रहा है, अभी भी न्याय नहीं दिखाई पड़ रहा है, केवल अन्याय ही दिखाई पड़ रहा है। देखिए, जो अभी लेटर आया है मात्र अभी थोड़ी देर पहले 30 अगस्त को पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर है मिस्टर हर्षदेव पांडे के द्वारा कि एडवर्टीजमेंट जो संख्या लिखी हुई है A5E1 2022-10-12-2000 के अंतर्गत आयोजित उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज जूनियर डिवीजन जो मेंस की एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो 17-8-2000 के क्रम में उन्होंने संशोधित अंतिम चयन परिणाम आयोग द्वारा घोषित किया है। ये आप लोग को परीक्षा रिफ्रेशर के टेलीग्राम पर पूरा रिजल्ट मिल जाएगा, आप लोग को उसके लिए चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें इन्होंने क्या किया है कि दो कैंडिडेट को जो सेलेक्टेड है, जो किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट में जुडिशियल ऑफिसर्स के रूप में पोस्टेड है, उनको हटाया गया और दो लोगों को जोड़ा गया। यहाँ पर दो हटाना दो जोड़ना न्याय नहीं है, बल्कि यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है जो 50 स्टूडेंटों की कॉपियाँ बदली गई, कैसे ये माना जाए कि दो के साथ ही अन्याय हुआ है। 50 लोगों के साथ जो अन्याय हुआ है, जिसका काउंटर एफिडेविट ऑनरेबल हाई कोर्ट में पब्लिक सर्विस कमीशन ने लगा रखा था, उसका तो कोई जिक्र ही नहीं हुआ। न्याय तो उस दिन होगा जिस दिन ये पूरी परीक्षा जो विवादित है इसको निरस्त किया जाए और नए सिरे से एग्ज़ाम लिया जाए, और तब जो स्टूडेंट प्री क्वालिफाई करे, मेन्स क्वालिफाई करे, इंटरव्यू क्वालिफाई करे और बड़ी कड़ाई के साथ लिया जाए, ऑनरेबल हाई कोर्ट की पूरी निगरानी में लिया जाए, तब जाके न्याय होगा। हम लोग लॉ के टीचर हैं, लॉ कहता है कि केवल न्याय किया ही न जाए, न्याय दिखाई पड़े। तो कहाँ न्याय दिखाई पड़ रहा है? ये न्याय थोड़ी नहीं, कभी आप दो को बाहर करते हो, कभी आप चार को बाहर करते हो, कभी तीन को अंदर करते हो, ये क्या हो रहा है? जब आपने एक तरफ एक्सेप्ट किया है कि 50 लोगों की कॉपी में हेर फेर हुआ है, बदलाव हुआ है, तो आप दो को अंदर कर रहे हैं, यानी उनको जुडिशियल ऑफिसर्स के रूप में आप ज्वाइन कराने के लिए सोच रहे हो, और दो लोग को आप बाहर कर दे रहे हो। क्या जिसको आप बाहर कर रहे हो, क्या वो दो ऐसे हैं जिनकी उन्हीं की कॉपियाँ बदली गई थी? ये सरासर गलत है। इस पे क्योंकि मैटर अभी ऑनरेबल हाई कोर्ट में पेंडिंग है, हमको पूरी उम्मीद है कि न्यायपालिका इस पे बहुत ही कठोर निर्णय लेगा और ऐसा निर्णय लेगा कि जो आगे भविष्य में खासकर न्यायिक सेवा से जुड़े अभ्यर्थियों के लिए एक मार्गदर्शन होगा। और देखिए स्टूडेंट, आप लोग निराश मत होइए, क्योंकि देखिए जब लड़ाई कोर्ट में चलती है, न्यायालय में चलती है, तो आप जानते हैं कि न्यायालय का निर्णय बहुत ही अच्छा निर्णय होता है, और न्यायालय कोई अंतिम निर्णय नहीं होता है। अगर माननीय उच्च न्यायालय का जो निर्णय होता है, अगर कहीं से आपको संतुष्ट नहीं मिलती है, तो उससे बड़ी सुप्रीम कोर्ट का भी न्यायालय बना हुआ है। आप लोग केवल न्यायालय के ऊपर पूरा भरोसा रखिए, और हमें तो पूरी उम्मीद है कि न्यायालय के द्वारा इस पर बहुत अच्छा निर्णय होगा। हम उन 50 स्टूडेंटों के साथ हैं जिनकी कापियाँ को फाड़ा गया, बदला गया, नया पेज जोड़ा गया। आपने एक्शन क्या लिया? जो उस समय के सचिव थे, जो उस समय के चेयरमैन थे, उनके अगेंस्ट क्या एक्शन है? ये तो आपने दो को बाहर कर दिया और दो को जोड़ दिया, लेकिन जो ये ऑफेंस हुआ था उस ऑफेंस का कंक्लूजन क्या निकला, इस पर तो अभी बात ही नहीं हो रही है। तो चूंकि मैटर अभी कोर्ट में पेंडिंग है, इसलिए अभी हम लोग न्यायालय के निर्णय को इंतज़ार करें। रही बात ये जो कमीशन के द्वारा रोज़ एक एक लॉलीपॉप दिया जाता है, देखते चलिए, हम भी देख रहे हैं, आप भी देखते चलिए, और हम भी उस दिन का इंतजार कर रहे हैं, आप भी उस दिन का इंतजार करिए जब माननीय उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति गणों के द्वारा एक बहुत ही अच्छा जजमेंट आएगा। हमें पूरी उम्मीद है वो जजमेंट ऐसा जजमेंट होगा जिससे स्टूडेंटों के साथ सच में न्याय हो पाए। इंतज़ार करें स्टूडेंट आप लोग उस दिन के लिए। और आप लोग को एक चीज़ और बताना चाहते हैं, ये सब तो देखिए लाइफ का एक पहलू है, चलता रहता है। इसके आधार पर ना तो आप अपनी पढ़ाई को बंद करेंगे, ना आप अपने आगे के किसी एग्जामिनेशन के बारे में
हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएंगे, ठीक है। अब आगे आप अपने जो तैयारी है उसको तो जारी रखें, उसमें आप कोई कमी नहीं रखें। देखिए आप लोग को मालूम है कि यूपी स्टेट में ही एपीओ की और जुडिशरी की वैकेंसी आनी है, जो आरटीआई के द्वारा आप लोग को पिछले वीडियो में बताया गया था। बिहार स्टेट की आप लोग के एग्जामिनेशन के डेट आने वाली है, उसका भी एडवर्टीजमेंट आएगा। अब आप लोग नए क्रिमिनल लॉ पर फोकस करिए, तो नया क्रिमिनल लॉ एमसीक्यू फॉर्म में, और इसके साथ साथ ध्यान रखिएगा जो सबसे अच्छा है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिग्लॉट फॉर्म में आप लोगों के लिए पब्लिश किया गया है। ये जो परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस है, जो पिछले परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस को आप क्यों ज्वाइन करें, पिछले एक साल का ऑनलाइन लॉ क्लासेस का रिकॉर्ड रहा हमारा, वो अगर आप देखें तो 110 स्टूडेंटों ने बिहार के एपीओ के लिए क्लास लिया, उसमें से 55 स्टूडेंटों ने फाइनल सिलेक्शन लिया, जो इस समय बिहार के गया जिले में ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो इसका जो रेशियो है परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस का, वो 50% के आसपास सिलेक्शन देता है। आप इसको ज्वाइन करने के लिए सर के नंबर से आप जुड़ सकते हैं। का पूरा पूरा सहयोग रहा हर स्टेज पर, सर ने सर की वो क्लासेस जो भी थी उन्होंने उसमें हमें समझाया गया किस तरीके से हमको अच्छे से अच्छा और धीरे धीरे करके अपने आंसर देने और जो पूछा जाए सिर्फ वहीं तक का आंसर देना, ज्यादा अपना शो नहीं करना। और सर ने हर स्टेज पर जो 3 बार हमारे सर ने मोक लिए थे और तीनों स्टेज पर हमें हमारी जो मोक लेते थे उसके बाद हमारी कमियों को बताते थे कि आपके इस मोक में ये कमी है, इसको सुधारो। तो वहाँ इंटरव्यू के दौरान भी उसका मुझे बहुत हेल्प रही। तो सर आपका हर स्टेज पर जो आपकी मदद रही है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। था रिक्वायरमेंट थी, ऑल्दो मैं दिल्ली में होते हुए भी, दिल्ली में भी काफी सारे थे, लेकिन मैं या तो मैं उन्हें अप्रोच नहीं कर पाया या मुझे नहीं पता, लेकिन कोइंसिडेंटली यूट्यूब में मैं आपकी काफी वीडियो थी सर जो पहले से वॉच करता था, और मुझे लगा कि वहां से आपके यहाँ से मुझे जो गाइडेंस मिलेगी जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था सर, बिल्कुल 100% ज्यादा ही मिला। और ये सफलता जो मुझे मिली है इसके लिए मैं ईश्वर का तो धन्यवाद दूंगी ही, साथ साथ आपका भी एक सहयोग रहा है मेरी इस सफलता में, तो मैं आपको भी मतलब दिल से आभार प्रकट कर रही हूँ। थैंक यू। परीक्षा रिप्रेशर सर से पूरी तरह से इसमें गाइड ले, जहाँ कोई प्रॉब्लम हो हमारे सर बताने के लिए एनी टाइम तैयार है। उनकी काफी बुक्स वगैरह भी आ रही है जिनको पढ़कर हम एक रणनीति बनाकर। मैंने ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन किया था, मैं ऐसी सफलता और साथ साथ मेरी भी ऐसी उपलब्धि के कारण मेरी सफलता हासिल हुई है, इसके लिए मैं सर के प्रति आभार के तय करता हूँ। सोचा कि अब क्या किया जाए, तो फिर इधर उधर मार्केट में बहुत जगह खोजने पे फिर सर के बारे में पता चला, परीक्षा लाउड रिफ्रेशर के बारे में पता चला। सर को 31 इयर्स का एक्सपीरियंस है अपने बच्चों को पढ़ाने का, सर से मैं जुड़ा रही थी। फिर आपने मुझे डांटा भी कि उलू जुलू बातों में दिमाग मत लगाओ, अपना तैयारी ऑनेस्टी से करो, सिलेक्शन हो जाएगा। उलू जुलू बातों पर ध्यान दोगे बहुत रूमर फैलते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, उस चक्कर में कुछ नहीं रखा है। तो आपका जो डांट पड़ा सर उससे भी अच्छा लगा सर। और सर आपका जो कि आप जो एक जो आपने एक बुकलेट प्रोवाइड कराई थी इंटरव्यू के लिए उसको मैंने अच्छे से पढ़ा, आपने बोला 2-3 बार पढ़ जाओ, तो इससे आपका एक जो जेन्युइन क्वेश्चन पूछते नॉर्मल वो सारे कवर हो जाएंगे। और सर आपका ये बहुत सहयोग रहा सर, तो अच्छे तरीके से सर के गाइडलाइंस में गहन अध्ययन किया और प्रॉपर जो प्रीवियस ईयर का मेंस का जो था पैटर्न उसको मैंने फॉलो किया और बारीकी से क्वेश्चंस को अध्ययन किया। जो 6 नए एक्ट जोड़े गए थे उसके लिए सर से ही मैंने लिया और सर के गाइडलाइंस में उसको भी पढ़ा। इस इंस्टीट्यूट के द्वारा जो आप लोग के लिए क्लास ली जाती है उसमें फीस बहुत ही नॉमिनल है, इतनी नॉमिनल फीस है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के कुल 10% फीस को लिया जाता है, जिसमें आप लोग को प्री की, मेंस की, इंटरव्यू की तीनों तैयारी कराई जाती है। मेंस में आपको नो क्वेश्चन आंसर लिखवाए जाते हैं एग्जाम ओरिएंटेड, और आपको कोई प्रिंटेड नोट्स वगैरह नहीं दिए जाते हैं। 5 वर्षों से ऑनलाइन मोड पर चल रहा है और 28 ईयर तक ये जो है ऑफलाइन मोड पर रहा। इसे जोड़ने के लिए क्लास गूगल मीट पर चलती है, लाइव क्लास मिलती है, रिकॉर्डेड वीडियो मिलता है, और इसके साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज में हिस्सा लेने का मौका मिलता है। ये दो व्हाट्सएप नंबर है नोट्स के लिए और क्लासेस के लिए। तो जो नोट्स है वो आपको इस पे पोस्टल एड्रेस भेजना पड़ेगा पिन कोड के साथ। रही बात क्लासेस के लिए, तो क्लासेस के लिए आपको अपना एक आइडेंटिफिकेशन भेजना पड़ेगा। आप आधार कार्ड भेज सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस भेज सकते हैं, वोटर आईडी भेज सकते हैं, कोई भी एक अपना आईडी भेजकर अपने क्या नाम है एडमिशन को सिक्योर कर सकते हैं। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।